हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं CCS यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया आज की डेट में, तो उस लेटर को आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि CCS यूनिवर्सिटी जैसी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है हम अपने यूट्यूब के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। और हाँ, इनकी PDF को हम अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर देते हैं। यदि आप इनकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से आप CCS यूनिवर्सिटी की जैसी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है उस इन्फॉर्मेशन को हम अपने टेलीग्राम पर भी अपलोड करते हैं और यूट्यूब पर आपको वीडियो के माध्यम से पहुँचाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं CCS यूनिवर्सिटी लेटेस्ट अपडेट 2023 ब्रेकिंग न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर, इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर ऑल CCS यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, यानी जितने भी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सूचना महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए उस नोटिस को देखते हैं। तो चलिए साथियों, ये आपका चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेट की तरफ से लेटर जारी किया गया। इस लेटर में क्या है आगे आपको बताने वाले हैं। ये आपका दिनांक 19 जुलाई 2023 को लेटर जारी किया गया है और 19 तारीख को ही हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि CCS यूनिवर्सिटी जैसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है हम अपने यूट्यूब के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो चलिए देखते हैं विज्ञप्ति क्या है आगे आपको बताने वाले हैं। विज्ञप्ति है, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि समन्वयक चुनौती मूल्यांकन के पत्र दिनांक 18/7/2023 द्वारा प्रेषित क्रमशः संख्या 10647 से 10782 तक, कितने से 10647 से 10782 तक उपलब्ध कराए गए चुनौती मूल्यांकन आवेदन पत्रों के विभिन्न पाठ्यक्रमों का चुनौती मूल्यांकन परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है रिजल्ट। तो चलिए देखते हैं किस क्लास का यह रिजल्ट जारी किया गया है जो चुनौती के बाद अपडेट होकर आया है। तो चलिए देखते हैं। तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से चैलेंज एवोल्यूशन रिजल्ट जुलाई 2023 ये जारी किया गया। ये आपका सीरियल नंबर है, रेफरेंस नंबर है, क्लास कोड, रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, बार कोड, नेम, ये महत्वपूर्ण है आपका नेम। और हालांकि महत्वपूर्ण इसमें सब है लेकिन आपको नेम से और आपके रोल नंबर से, बार कोड से आपको ये सारी चीज़ें पता पड़ जाएगी। मैक्सिमम मार्क्स, ओरिजिनल मार्क्स, री एवोल्यूशन मार्क्स, एग्जामिनर वन, एग्जामिनर टू, डेट है आपकी 18 जुलाई 2023, फाइनल मार्क्स आपके ये हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो किस क्लास का ये चुनौती मूल्यांकन रिजल्ट है तो आपको एक एक करके बताने वाले हैं किस किस क्लास का ये चुनौती मूल्यांकन जारी किया गया है। तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले BDS, फिर आप जाइए 10651, ये आपका सीरियल नंबर, NCE रेफरेंस नंबर 12292, ये आपका BTech का है। ठीक है, आप देख लीजिए, रोहित कुमार तोमर हैं, इनके मैक्सिमम मार्क्स 100 थे, ओरिजिनल मार्क्स 14, री एवोल्यूशन मार्क्स 43 49, एग्जाम वन एग्जाम टू, और ये फाइनल मार्क्स हैं आपके 46। तो आप अपने मूल्यांकन का मिलान कर लीजिए कि किस तरीके से आपको मूल्यांकन हुआ है। और आगे देखते हैं किस क्लास का जारी किया गया है। इधर से जाइए आप 10652, NCE 9110, BEd, ये आपका BEd वालों का है BEd। तो इस तरीके से आप इस PDF को हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें ताकि आप अपना नाम देख सकें और आपको आसानी हो जाए देखने में। यदि हम एक एक करके बताने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आप इसकी PDF को आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें या CCS यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे डाउनलोड कर लें ताकि आप आसानी से देख सको। और ये 10697 MBBS, 10697 MBBS, MBBS का भी चुनौती मूल्यांकन रिजल्ट जारी किया गया है। BDS ये सबसे ज़्यादा BDS का है। और आप इस तरीके से इसकी PDF हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। और फाइनल में BTech, MPed, और आपका BEd का भी है, ये
काफ़ी लोगों का मिलाकर इस तरीके से रिजल्ट जारी किया गया चुनौती मूल्यांकन। तो आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इसकी PDF को हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंडों को ताकि सभी का इससे फायदा हो सके। और हाँ, आने वाले अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी अपडेट आप तक टाइम से पहुंचती रहे। तो चलिए, धन्यवाद साथियों।